अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सब आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं टिकटॉक देख रहा था, उस पर डिफरेंट टाइप की वीडियोस बनाई हुई है लोगों ने। कोई अफगानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहा है, कोई पाकिस्तानी अफगानी के ख़िलाफ़ बोल रहा है, कोई जनाब साहब जिधर का जिसका जिधर मुंह चल रहा है ना, वो उधर बोल रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अफगानी हो या पाकिस्तानी हो, यार हम सब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा गो हैं। मुंह खोलने से पहले हमें ये चीज़ का अंदाज़ा रखना चाहिए, ठीक है? अब बात हो रही है ये जनाब सब नस्लों की। एक सिद्धू मूसे वाले ने गाना बनाया था, उसमें पठानों के ख़िलाफ़ बोला था वो। यार मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन यार आपको ये बात दोहराता चलूं कि ये जो है ना, क्या कहते हैं, हमारे पठान लोग हैं यार, ये इनको एक दो मतलब बहुत ज़्यादा ये प्रमोशन करते हैं पश्तून की। भाई सबसे पहले इस्लाम है, हमारी नस्ल मुसलमान है, हमारी कोई और नस्ल नहीं है, ठीक है? मैं पंजाब से हूँ, ठीक है, लेकिन ये सूबों के नाम ही गलत रखे हुए हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये नस्ली बुनियाद पे नाम रखे हुए हैं। ये नाम बदलने चाहिए, नाम इस्लामी होने चाहिए हमारे पाकिस्तान के सारे सूबों के, क्योंकि ये जो नस्ल परस्ती है ना, ये सबसे बड़ी आड़ आती है मुसलमानों को मुंतशिर करने में। पहले ये फिरकेबाजी थी, ठीक है, ये गोरों ने बनाए थे जब अंग्रेज़ों की गुलामी थी बरेसगीर में, तब इन्होंने ये फ़िरके बनाए थे ताकि मुसलमान मुंतशिर रहें, ये दोबारा से एक मज़बूत कौम ना बन जाए। तब इन्होंने सारा जो साइंसी जो उलूम है वो हमसे अलग कर लिए, ठीक है, और हमारे उलमा को कहा कि ये जो नॉलेज है ना, साइंस का नॉलेज है, ये शैतानी नॉलेज है, ये काफिरों का नॉलेज है, इससे दूर रहना चाहिए आपको, ठीक है? तब सबसे बड़ी हमारे साथ ज्यादती तब की गई। ये उलमा, वैसे उलमा, उस टाइप के उलमा जिन्होंने साइंस के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया, ये सबसे बड़े दुश्मन थे मुसलमानों के, और ये तैयार करदा थे किन के, अंग्रेज़ों के। ये जो आप फिरका वारियत देखते हैं ना, ये सारी उनकी तैयार करदा गए हैं। तो इस बात का गुस्सा ना कीजिएगा, जो भी आप मतलब अगर फिरका वारियत को मानते हैं, ठीक है, आप जो ब्रेल भी हों या जो भी हों, असलियत इनकी ये है। जो आप ये इससे 2 सदियां इन पीछे से देख लें, आपको ये वाले फिरके नज़र नहीं आएंगे। ये फिरके कहाँ से आए? तो भाइयों थोड़ी सी आप आंखें खोल लें इस चीज़ से। और रही बात ये पंजाबी पठान ये वो, भाई हम मुसलमान हैं, सारे बराबर हैं। और अगर कोई कहता है कि मैं हम बहुत बहादुर और ताकतवर कहूँ, मैं भाई रिंग में जाओ, आपके सामने यूएफसी की फाइट्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है? यूएफसी की फाइट्स में आपको पता चलता है कि कौन कितना ताकतवर है और कितनी दिल गुर्दा रखता है। वहाँ पे तो ये सारी कौमें ये मार खा रही होती हैं, जो आपको टिकटॉक पे और वीडियोस में कह रही होती हैं कि जनाब साहब हम तो ये हैं, हम वो हैं। भाई जिसका दिल गुर्दा होता है, जिसने मेहनत की होती है, वही वहाँ पे काम करता है मैदान में, ठीक है? रिंग्स हैं, यूएफसी रिंग्स हैं, आप ये हिसाब लगा लो, हमारे जो बॉक्सिंग के रिंग्स भी लगा लो, वो सारे खाली हैं। वैसे बड़के मारने पे आएंगे दुनिया के टिकटॉक पे लोग के, हम ये हूँ हम वो हैं। भाई असले के साथ तो बच्चा भी बदमाश है, असले के साथ छोटा सा बच्चा बदमाश है। मैं यकीन करो, मेरा 10-12 साल का एक भतीजा है, उसके हाथ में मैंने एक दफ़ा पिस्टल पकड़ा दी गलती से। तो मैंने तो उसे कहा कि ये उठा के दिखाओ, वो उठा के तो जोश में आ गया, और मैंने फटाफट पकड़ ली। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना, असले के साथ तो हर बंदे ही बदमाश बन जाता है, ठीक है?
और आप बात करते हो पंजाबियों की, पंजाब में असले की बहुत सख्ती है उस पे। पंजाब में आप कोई असले के साथ नज़र आ जाए, पुलिस उसकी जान नहीं छोड़ती। आप उनको बुजदिल समझते हो? अगर इनके हाथों में असला आ गया ना, तो ये तबाही फेर देंगे। पुलिस नहीं आने देती है पंजाब में असला। पंजाब में इसलिए सारे जो कानून है वो स्टेबिलिटी थी, और ये स्टेबिलिटी कायम की गई है। अगर हम भी सबको मतलब असला इधर पंजाब में प्रोवाइड किया होता हम सबको, तो हम भी जनाब सब कहीं ना कहीं, कोई उधर मुंह करके लड़ रहा है, कोई उधर मुंह करके लड़ रहा है। तो भाई बहुत बड़ी ये आबादी है पंजाब में। आप खुदा के लिए ये वाली बात जो है ना, इसको दबाए रखो, ये पश्तून और वर्सेस पंजाब ये वो, क्योंकि ये आग थोड़ी सी कोई किसी को जलाने की ज़रूरत होती है। यूं आग लगती है हर जगह में। हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, हम मुसलमान हैं, और सबसे पहले अगर कोई हम में से कोई लीडर बना, ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान के सूबों के नाम बदलने चाहिए भाई। ये नस्ली बुनियाद पे सूबों के नाम नहीं होने चाहिए। इसीलिए लोगों के मुंह, हर किसी का मुंह किस दूसरी साइड पे है। हम सब की एक आवाज़ होनी चाहिए, लब्बैक या रसूलुल्लाह। हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। हम पंजाबियों के या पठानों के किसी के, किसी कौम के गुलाम नहीं। हम पाकिस्तानी कौम हैं। मेरे भाइयों, मेरी बातें अच्छी लगी हों या बुरी लगी हों, प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा आपके क्या राय है। थैंक यू।